करनाल में नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों के पूरा न होने पर उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को करनाल नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपनी मांगों के पूरा न होने पर चेता भी दिया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्रता से विचार नहीं किया गया और उन्हें पूरा नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन भी छेड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों से बातचीत करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं मिल रहा। सैकड़ों कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, तो ऐसे कई कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं, जिन्हें पेरोल से वंचित किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों का कहना है कि पार्षदों की मनमानी के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मेयर रेणु बाला गुप्ता से गुहार है कि वह उन्हें मनमानी करने पर रोकें, अन्यथा पार्षदों के साथ साथ प्रशासन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर नगर निगम के कई कर्मचारी नेता समाचार एक्सप्रेस से रूबरू हुए। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के नगर निगम कार्यालय में, जहां पर नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आखिर इनकी क्या मांगे, आखिर इनको आक्रोश क्यों जताना पड़ा और इनकी सरकार से क्या नाराजगी है, करनाल प्रशासन से क्या नाराजगी है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, आपका शुभ नाम? मैं वीरभान बिडलान, जिला प्रधान। वीरभान जी, आज का ये जो रोष प्रदर्शन है, इसका क्या वो है, एजेंडा क्या है आपका? आज का एजेंडा, पिछले दिनों हमारी प्रशासन से बातचीत हुई, एक तो एक सप्ताह में एक इनको छुट्टी देने की बात हुई, उस पर प्रशासन के साथ सहमति बनी, और दूसरा 4 महीने से ये रोल पर आ रहे हैं, अभी तक एक भी तनख्वाह नहीं दी गई इनको। हम मांग करते हैं भाई समय पर इनको तनख्वाह दी जाए। इनकी तो दिवाली भी, काली दिवाली मनाई इन लोगों ने। हमने प्रशासन से ये कहा था कि इन गरीब कर्मचारियों के खाते में सिर्फ 5,000-5,000 रुपये डाल दें, बाद में अपना हिसाब कर लेंगे, लेकिन उसमें भी प्रशासन ने हमारे से हाँ करके और कहीं ना कहीं बेईमानी का काम कराया है। वीरभान जी, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह के लिए आपने इनको बोला था? 750 कर्मचारी, 757 कर्मचारी रोल पर हैं, जो हमने आंदोलन करके सरकार से 16 दिन की हड़ताल करके जो हमने इस गुलामी से इनको छुड़वाया है, और आज जो प्रशासन जो वो फिर गुलामी का काम कर रहा है प्रशासन, ये प्रशासन का काम नहीं है। हम क्या देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, अगर प्रशासन अपनी बदियों से बाज नहीं आया तो हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अच्छा, ये वीरभान जी थे जिन्होंने बताया कि पिछले 757 कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई, इन्होंने बात की थी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी काम? मैं सत्यावान अठवाल यही कहना चाहूँगा, जो भी निगम ने अपनी सच्ची सुविधा से इन कर्मचारियों के 757 कर्मचारी है इनको पेरोल पे लिया गया है, अन्यथा 1,029 कर्मचारी थे जो उनमें से 198 कर्मचारी पेरोल से वंचित कर दिए गए, जो आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और ये 198 कर्मचारी उनका 157 कर्मचारियों का भी समर्थन करता है पूर्व रूप से, जिन्होंने आज तक 4-5 महीने पेरोल पे गए हो गए, उनकी तनख्वाह वगैरह नहीं दी हुई है। और जो पेरोल पे नहीं है उनके साथ कैसा व्यवहार? हाँ, उनका व्यवहार, वो 5 महीने हो गए वो ऐसे ही आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो कर्मचारी इनका पूरा विनम्र दिल मन से इनका साथ दे रहे हैं ताकि इनकी तनख्वाह भी हो जाए, और जो 198 कर्मचारी पेरोल से वंचित रह चुके हैं, ये भी सरकार को बार बार आपके द्वारा मीडिया के द्वारा उनको चेतावनी जिताना चाहते हैं, वे 198 कर्मचारी जो पेरोल से वंचित रह गया, प्रशासन को भी ये कर्मचारी को इसमें कोई दोष नहीं था जिसके कारण ये पेरोल से वंचित रह गया, गैप दिखाकर उनका ये सरासर मिली भक्ति ठेकेदारों की और अधिकारियों की थी, जिसके कारण ये PFSI वगैरह इनका नहीं डाला गया, जिसके कारण पेरोल से वंचित किए गए। आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी 198, और ये मेरे जो 757 कर्मचारी जो आए आज, इनकी 5 महीने से पेरोल पे गए हुए भी तनख्वाह नहीं हुई है, तो उनका भी हम पूरा दिल से सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं कि उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द कराई जाए। मैं सत्यवान अठवाल। आपका क्या कहना सर?
मैं हमने जब सुना ये तो इतनी निकम्मी सरकार है और इतना निकम्मा नगर निगम प्रशासन है। हमने 197 कर्मचारी जो हमारे इस पे रह गए, 757 आदमी आए हैं, जो उनका 3-4 महीने से पूरा सैलरी वहाँ पड़ा है, पूरा सैलरी ना देने पे दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया और राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया और इनकी इतनी काली दवाई मनाई। हमने एक हफ्ता पहले अल्टीमेट बना के दिया था प्रशासन को, भाई इनको दिवाली का महीना है, ये खाली दिवाली ना मनाई जाए, इनकी सुखी दिवाली ना जाए, काली दिवाली ना जाए, मगर प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और एक सुनो जी, हम कहना चाहते हैं प्रशासन को और सरकार को भी जो पॉलिसी से वंचित रह गए उस पॉलिसी को डील दे के, उस पॉलिसी में डील दे के, जिनका 15-15 दिन का गैपियर था और गैपियर भी क्यों गया, गैपियर ये मानते हैं ठेकेदार को पावर मानते हैं, ठेकेदार कोई अथॉरिटी नहीं है, ठेकेदार कोई तो पावर नहीं है, ठेकेदार तो एक ठेकेदार है, उसने 16 दिन के पैसे काटे और वही महीना इनको तंग कर रहा, उसी महीने की आड़ में ये आदमी उससे वंचित रह गए उस पॉलिसी से। हम कहते हैं माननीय अपने कमीशन जी से और हमारे हरियाणा सरकार से इस पॉलिसी में ढील दे के और इनको भी अपील लगाई जाए और इनको भी पेरोल पे विभागीय रोल पे लिया जाए। मैं राजकुमार, आज हमने अल्टीमेट बना के दिया था, हमारे जो कर्मचारी हैं ग्रामीण कर्मचारी हैं उनका जो था ग्रामीण कर्मचारी जो अपने रोल पे लिए गए हैं, इनके जो सामान्य भत्ते थे उनका भत्ता देना था, उनकी वर्दी देनी थी, जूता देना था, और जो 197 आदमी हैं जो पहले लिए गए हैं, 171 थे जो पहले लिए थे, उनका जो 2-2 हज़ार रुपये पड़े हैं जी छुट्टियों के देने पड़ते हैं सरकार को, वो उनसे वंचित रह रहे बेचारे, वो हमारे बने पड़े जी डीएमसी के पास बने पड़े हमारे। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है? सारे अपने वादों से मुकर रही है, हमारे से बातचीत करने में आनाका नहीं कर रही है। जब हम बात करने जाते हैं तो कमीशन मोदे और जिसवंत मोदे कहते हैं हम किसी काम कोर्ट के काम से बिजी हैं। तो मैं अब अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो इसके बाद आपका अगर ऐसे है सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करता तो इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जुलूस निकालेंगे, झाड़ू प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद सरकार नहीं मानती तो हम ऊपर का जो हमारा आह्वान आएगा, हम हमारे जो ऊपर की कमेटी जो गठन बात करेगी उसके लिए हमें सर मान्य होगा और देश लागू होंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। देखिए इन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि इनकी मुख्य मांगे थी क्या, इनका एजेंडा क्या था, किस लिए सरकार और प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि प्रशासन और नगर निगम अपने वादों से लगातार मुकरता जा रहा है, इनको इनकी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पिछले 4-5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और कईयों को पेरोल से वंचित कर दिया। ये सब मांगे इनकी हैं जो इन्होंने प्रशासन के आगे रखी है, नगर निगम प्रशासन के आगे रखी है। इनके साथ में यह भी कहना है कि अगर प्रशासन जल्दी और नगर निगम प्रशासन जल्दी इनकी बातों पर या इनकी मांगों पर जल्दी अमल नहीं करता तो यह मजबूर हो जाएंगे आगे आगामी कार्रवाई के लिए। इसमें वो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, झाड़ू उठाओ प्रदर्शन भी कर सकते हैं, झाड़ू फेरू प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बावजूद इसके अगर सरकार के या प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती तो ये बड़ी रणनीति बनाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाज एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.